गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हैप्पी थर्सडे। तो आज मैं फाइनली एक दिन के गैप करके मैं वीडियोस बना रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ। तो आज मैंने फाइनली जो है कैमरा उठाया आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाने के लिए। नहीं, इसको खुला रहने देते, रोशनी आएगी। तो जो है आज है थर्सडे और मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। और बेसिकली मुझे ना नहा के रेडी हो के ही जो है व्लॉगिंग करना अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों मेरा ऐसा है। मतलब मैं व्लॉगिंग को एज अ यू नो एज अ मेरा वर्क लेती हूँ, एज अ काम लेती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं एकदम फ्रेश फील करूँ, तभी मैं आपके साथ व्लॉगिंग करूँ। ऐसा है, हो सकता है इन फ्यूचर मैं व्लॉगिंग करते करते इतना एक्सपर्ट हो जाऊँ कि मैं जो है कभी भी उठा लूँ कैमरा। बट अभी इतना मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ क्योंकि बहुत टाइम हुआ नहीं है। मुश्किल से मतलब व्लॉगिंग करती हूँ, बट बहुत ही रेयर करती थी पहले दूसरे चैनल पे। और यहाँ पे मुझे भी मुश्किल से 10 व्लॉग मैंने बनाए होंगे आई गेस। तो इसलिए जो है इतना भी एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं व्लॉग बनाने में। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं नहा ली हूँ, उसके बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं अपना ब्यूटी व्लॉग करती हूँ तो मैं एकदम यू नो रेडी शेडी होके करती हूँ, तो मेरी वही हैबिट है। और जो है कितना भी काम कर लो, घर का काम कभी खत्म नहीं होता। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे बेड है, ये फैला हुआ है, उसको ठीक करना है। और साथ ही साथ दूसरे रूम में मैंने एक दिन आपके सामने शेयर किया था कि मैंने बहुत सारे कपड़े जो है तह करके रखे थे, वापिस से हो गए हैं। मतलब घर का काम जो है ना, जितना भी करो उतना कम है। और अभी मैं एक चीज दिखाऊं आपको, देखना आप, वहां पे मैंने उस दिन क्लीन किया था, फिर से वहां पे कपड़े हो गए हैं। मतलब सच में यार परेशान हो जाती हूँ मैं कभी कभी, जितना करो उतना कम। और जो है बारिश हो रही है, बहुत ब्यूटीफुल मौसम है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन कपड़ों का भंडार लग चुका है। करूँगी, मेरे को ये करना है, मैं ही करूँगी। और बारिश बहुत जल्दी बहुत ज़बरदस्त हो रही है, मौसम इतना सुंदर है ना कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पता नहीं क्यों मुझे ना बालकनी में खड़े होकर व्लॉग करना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे बालकनी में व्लॉगिंग करना, क्योंकि मुझे ओपन ओपन सा लगता है। और मेरे हस्बैंड भी काम करते हैं तो उनको भी डिस्टरबेंस नहीं होता है, मीटिंग वगैरह रहती है तो मैं बोलती रहती हूँ तो उनको थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। और जो है मैं भी इतना ओपनली आप लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मैं बालकनी में आके बातें करती हूँ, क्योंकि मुझे वाकई में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस। तो जो है हो चुका है दोपहर आज थोड़ा लेट हो गए नहाने में, बारिश के टाइम पर क्या है ना कि नींद बहुत आती है, तो नींद आती रहती है। तो आज लेट से सो उठी थी, तो अब मैं चल रही हूँ लंच बनाने। एंड बाय द वे तीज आ रही है, तो तीज की प्रिपरेशन करनी है। 21 तारीख को है और आज हो गई है 13 तारीख है आज। हाँ, आज 13 तारीख हो गई है, ज़्यादा दिन बचे नहीं है। तो मैं अपने सूट देने जा रही हूँ, आज जाऊँगी शायद, नहीं तो कल तो पक्का जाऊँगी, क्योंकि बारिश, पता नहीं, बारिश तो हमेशा होती रहेगी बट काम तो नहीं रुकना चाहिए ना। और बाय द वे ये आप मेरे नेल पेंट देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो मैं जा रही हूँ लंच बनाने, आज बहुत डिफरेंट सा बनाऊंगी क्योंकि रोज़ दाल चावल खाते खाते मैं बोर हो गई हूँ। और गाइस पता है क्या ना, बारिश के टाइम पे सब्जियाँ जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, बहुत जल्दी, मतलब फ्रिज में रखो ना तो भी ख़राब हो जाती है। चलो चलते हैं किचन में और जो है दिखाती हूँ मैं क्या आपके साथ कि मैं क्या शेयर करने वाली हूँ आज लंच में, क्या बनाने वाली हूँ। और बहुत लेट हो गया है बट कोई नहीं, कभी कभी तो लेट चलता है, इसी को तो कहते हैं वर्क फ्रॉम होम। तो मैंने आलू में चॉप करके गई थी नहाने, मटर निकाल के गई थी, ये फ्रोजन मटर है। और ये है ब्रोकली जो कि बारिश के वजह से थोड़ा खराब हो रही थी तो मैंने बहुत सारी ले ली है। और ये है अनियन और गार्लिक जिसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। तो गाइस ब्रोकली को मैं बॉईल करूंगी थोड़ा सा नमक डाल के, क्योंकि जो है ना बारिश का टाइम है और अगर मैं इसको ऐसे ही बना दूंगी तो हो सकता है इसमें कुछ कीड़े हो जाए, एक आध कीड़े रहे, तो इसलिए मैं इसको पहले अच्छे से बॉईल कर लूंगी 2 मिनट तक। ये है सब्जी,
ब्रोकली, आलू, मटर, गाजर सबकी। और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ कोरिएंडर लीफ। इसका अलग ही टेस्ट होता है, पता है, कोई सी भी सब्जी बनाइए ना, कोरिएंडर लीफ का अलग ही टेस्ट होता है। वाओ, तो मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाली, मतलब एक्चुअली मैं शेयर करना चाह रही थी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ ये ब्रोकली, क्योंकि मैं सच बताऊं मुझे तो ठीक ही लगती है, बट मेरे हस्बैंड को ऐसे ही अच्छी लगती है, तो मेरा तो चलता है यार, खा लेते हैं सब, क्या ही करना है। तो ये देखने में बहुत यम्मी लग रही है और होती भी यम्मी है। गाइस, बन गया है लंच और मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि जियो का इंटरनेट लगवाने वाला है मेरे यहाँ पे आज। जियो फाइबर वाईफाई लगने वाला है, तो वो लोग आए हुए हैं, इसलिए जो है मैं वेट कर रही हूँ। और लग जाएगा ना, फिर मैं आपको बताऊंगी कितने का प्लान लिया हम लोगों ने, कितनी स्पीड है एंड ऑल सब कुछ। तो जो है इसलिए मैं आज वेट कर रही हूँ, और जो है मेरे हस्बैंड आके देख रहे हैं कि मैं किससे बातें कर रही हूँ। गाइस, मैं नीचे जा रही हूँ वॉचमैन के पास। मेरे हस्बैंड ने कुछ ऑर्डर किया है और सरप्राइज है, पता नहीं क्या ऑर्डर किया है, मुझे खुद भी नहीं पता है। तो वो ऐसे सरप्राइजेस मुझे देते रहते हैं और मैं बहुत खुश हुई यार, पता नहीं क्या आया है सरप्राइज में। तो लेट्स सी, वो फ्लिपकार्ट वाला नीचे रख के गया है वॉचमैन के पास, तो मैं जा रही हूँ लेने। ये कोरोना के चलते ना कुछ भी नहीं ऊपर आ पा रहा है। ये कुछ तो आया है फ्लिपकार्ट से, आई एम सो हैप्पी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई ड्रेस है, चलिए देखते हैं चल के ऊपर। ये गिफ्ट आया है, गिफ्ट आया है। चलते हैं पहले इसको सैनिटाइज कर लेते हैं और फिर देखती हूँ मैं क्या है फाइनली। ये कुछ तो आया है, क्या जमाना आ गया, मतलब एक्साइटमेंट तो होती है। तो गाइज, मेरे लिए आई है बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी, और ये नेट में है, बहुत ही सॉफ्ट नेट है, और इसका ये बॉर्डर है, और जो है ये देख सकते हैं आप, ये पिंक कलर का इसका यू नो ऊपर का, आई गेस ये होगा पल्ला, इसका जो ऊपर पल्ला होता है ना वो होगा। और जो है बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है गाइस, सच्ची में आई एम सो हैप्पी। तो ऐसे ही मुझे सरप्राइजेस मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। और जो है ये देखिए, एक्चुअली ना मैं आपको बोल रही थी ना अभी कि तीज आ रही है, अच्छा मुझे नहीं पता था कि ये साड़ी जो है आ रही है। और इसका ये ब्लाउज है, ये देखिए, ये है इसका ब्लाउज, ये डिजाइन है, ये पीछे की होगी, ये बैक साइड होगी डिजाइन, और जो है ये फ्रंट साइड होगी, मुझे देखना पड़ेगा पिक्चर में कि कैसी है ये। और ये धागा है, निकाल देती हूँ, और ये होगा आई गेस ये स्लीव होगी नेट की। बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है गाइस, मुझे बहुत। तो गाइस, आई है सरप्राइज, मिला है मुझे आज, और साड़ी आई है, मुझे बहुत खुशी है। मैं एक्चुअली चाहती थी कि एक साड़ी हो जाए, क्योंकि नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि ये करवा चौथ हुआ या फिर तीज हुआ ना, उसमें हम नया कपड़ा पहनते हैं, और मेरे पास सूट थे नए, दो सूट हैं, सूट पीस रखे, तो मैं उसको जा रही थी कल स्टिच कराने। एक्चुअली कल जाना था बट मैं नहीं जा पाई, तो मैं सोच रहा थर्सडे है नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे साथ में मैं आईब्रो भी बनवाऊंगी, तो कल जाऊंगी और जा करके जो है मैं सूट और साड़ी दोनों दे के आऊंगी। तो वो सूट मम्मी का दिया हुआ है, तो जो है वो मैं दिन में पहन लूंगी, और जो उन्होंने साड़ी दी है वो मैं रात में पहन लूंगी। आई एम सो हैप्पी, मुझे सरप्राइज मिल गया। और मेरे हस्बैंड ऐसे मुझे सरप्राइजेस देते रहते, पता नहीं उनको कैसे पता चल जाता है कि मैं ये चीज चाहती हूँ। मैंने बोला नहीं था, मैं जस्ट सोच रही थी कि काश एक साड़ी होती तो सही रहता, और नहीं तो सूट तो है ही, फिर क्या करेंगे, साड़ी लेके सूट है ही, सूट को बनवा लेते हैं, नहीं तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, इतने साल हो गए शादी को और जो है ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, 3-4 साल से मैंने सूट स्टिच कराया ही नहीं है, और वो मेरी शादी में मेरी मम्मा ने दिया था, तो मैं वही सोच रही थी कि चलो इस बार इसको स्टिच करा लेते हैं, क्या करना है, जाना तो ऊपर साड़ी नहीं पहनेंगे तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन मेरे हस्बैंड को पता चल गया, पता नहीं कैसे, और जो है उन्होंने साड़ी मेरी ऑर्डर कर दी है। और बाय द वे, आज मेरी फिर से वापस एक आईब्रो मतलब ऐसी लग रही है, तो जो है अब मैं कल जाऊंगी इसको देख के आऊंगी। और सच में गाइस, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि साड़ी का कलर बहुत सुंदर है, पिंक कलर है, और पूरी साड़ी नेट की है जो मुझे बहुत ज्यादा सुंदर है। और पता है
नेट है ना वो सॉफ्ट वाला नेट है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कड़ा जैसे नेट होता है ना, ऐसा नहीं है, एकदम सॉफ्ट वाला नेट है जो कि मैं बहुत ही इजीली पहन सकती हूँ। और नेट के नीचे जो बॉर्डर है ना, पैर के पास जो बॉर्डर होता है वहां पे वेलवेट कलर का, इतना चौड़ा जो है, इतना चौड़ा वेलवेट है, उसके नीचे बॉर्डर है। तो वो थोड़ा सा कैसा बताऊँ, उसमें एम्ब्रॉयडरी है बॉर्डर में। तो साड़ी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड की चॉइस अच्छी है यार, मुझे पसंद आ जाती है, कभी कभी नहीं आती बट हमेशा आ ही जाती है। फाइनली नए कपड़े देख के जितनी खुशी, आई थिंक सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता होगा ना, नई लड़की करे नए कपड़े देख के सबको खुशी होती होगी। तो अभी देखो लंच नहीं हुआ है, अभी वो जियो वाला आए हुए हैं, तो वो पता नहीं इतनी लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज है वो कर रहे हैं, और वाईफाई लगवा रहे हैं क्योंकि जो 15 तारीख से, मतलब परसों से वाईफाई हमारा जो है हैथवे का वो खत्म हो जाएगा, उसका पैकेज जो हमने लिया था। और जो है फ्रीडम पॉइंट्स अर्न एक्स्ट्रा 3,000 जे कैश पॉइंट मैक्स कुछ भी आता रहता है। तो मैं मैसेज पढ़ रही थी, मेरे मोबाइल में मैसेज आया था, तो क्या कह रही थी मैं, अब लग जाए जियो का नेट वाईफाई उसके बाद ही खाना खाया जाएगा, बंद तो गया है। और मैंने बनाना खा लिया दो क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, बज रहे 3:30, ऑब्वियसली सुबह से कुछ नहीं खाया, 3:30 बज रहे हैं, भूख तो लगेगी ही, तो मैंने बनाना खा लिया, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। और अभी तक बारिश रुकी नहीं है, बारिश तो हो रही है, कंटिन्यूअस बारिश हो रही है। और क्या, सो हैप्पी। वाईफाई का और ये है टीवी का, दोनों का अलग अलग वायर है, मतलब दोनों का अलग अलग सेट ऑफ बॉक्स है। और ये है रिमोट, एक और रिमोट, एक और रिमोट फाइनली। और कितने रिमोट है अपने पास? ये देखिए, एक ये रिमोट है, एक ये रिमोट है, और कहाँ है रिमोट, रुको दिखाते हैं। इसमें भी है शायद ना एक रिमोट, नहीं इसमें मेरा चश्मा है, एक रिमोट और है ना, कहाँ है वो रिमोट, कहीं ही रखा है अंदर, मतलब इतने रिमोट है ना कि एक रिमोट का हॉल बना देते हैं। अरे बाप रे, इसमें रखी है लाइट, और मैं कितना खोज रही थी ये लाइट को, मैं बहुत खोजी, ये मैं एक्चुअली परचेज की थी कहाँ से, क्लब फैक्ट्री से परचेज की थी, और देखो यहाँ रखी है लाइट, मतलब क्या ही है यार, कितना मैं खोजी इसको, कहाँ गया, एक और रिमोट ढूंढ रही हूँ मैं। तो सती पता नहीं कहाँ रखा है। तो तीन रिमोट तो आप देख ही लीजिए यहाँ पे है, एक रिमोट हॉल बना देती हूँ। यहाँ हमारे पास, हमारे घर में एक टीवी के, ये टीवी है ना, इसका चार चार रिमोट है, ये देखिए बल लग गया है वाईफाई जियो का। और जो है बारिश हो रही है पूरे दिन, जैसा कि मैं आपको बोल रही हूँ कंटिन्यूअस की बारिश हो रही है, हो रही है। तो आज मैं जा रही हूँ बनाने समोसे स्नैक्स में, थोड़ा लेट हो गया है बट इट्स ओके, चलता है। तो मैं जा रही हूँ समोसे बनाने, आलू मैंने बॉईल करने को रख दिए हैं, और मैं जो है जस्ट मैदा को गूंदूंगी, मैदा बनाऊंगी। तो मैदा के लिए जो है मेरे हस्बैंड देख रहे हैं कि मैं समोसे बनाने के लिए बात कर रही हूँ। तो आलू बॉईल हो चुका है, बस समोसे के लिए मैदा बनाना है, और जस्ट झटपट समोसे बना देने। तो मैं बिल्कुल डिटेल में आज नहीं शेयर करूंगी, अगर आप बोलेंगे किसी दिन तो मैं शेयर करूंगी कि मैं डिटेल में कि मैं समोसे कैसे बनाती। जस्ट एक छोटा सा क्लिप दे रही हूँ कि मैं ना समोसे में क्या क्या ऐड कर रही हूँ। तो ये है पनीर, ग्रीन चिली और कोरिएंडर, तो मैं इसको इसमें मिक्स कर रही हूँ। और जो है साथ में थोड़े से किशमिश ऐड कर रही हूँ, छोटा छोटा आता है ना मुंह में मीठा मीठा, बहुत टेस्टी लगता है। और इसके साथ है ये सॉल्ट, सॉल्ट थोड़ा सा डालूंगी मैं, और लाल मिर्च पाउडर, और हल्का सा एकदम धनिया पाउडर, क्योंकि बिना धनिया के तो कुछ होता ही नहीं है मेरे से, और थोड़ा सा इसमें ये यू नो जीरा, हल्का सा एकदम।
मैंने बनाए हैं जस्ट अभी, और जो है इतने से ही बनाए हैं क्योंकि ज्यादा समोसा दोनों लोग को नहीं पसंद है, हमको, हम दोनों को, और हम दो ही लोग हैं, तो इसलिए मैंने इतने से ही समोसे बनाए हैं। और मैं रूम में आके इसलिए व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं, वो मीटिंग में है, और मैं अगर बोलूंगी तो डिस्टर्बेंस, तो इसलिए मैं जो है यहाँ पे आपको मैं दिखाने आई हूँ समोसे। और मैंने अपने हस्बैंड को टेस्ट करने के लिए दिया था और उनको बहुत पसंद आया। तो जब बनाओ कोई चीज और पसंद आ जाए तो फिर इससे अच्छा हो ही क्या सकता है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, और मैं अभी सो के उठी हूँ। कल मैं व्लॉग एंड करना भूल गई थी, हमने समोसे खाए, और समोसे खाने के बाद जो है हमने एक सीरीज देखी, वेब सीरीज प्राइम पे, और इसके बाद जो है मुझे याद ही नहीं था कि मुझे व्लॉग एंड करना है। तो अभी सो के उठी हूँ तो मुझे वीडियो को एडिट करना है। एक्चुअली मैं रात में एडिट कर लेती हूँ, बट कल मैंने एडिट भी नहीं किया और जो है जस्ट ऐसे ही सो गई मैं, बहुत लेट सोई थी और अभी सो के उठी हूँ। तो यहाँ पे मैं व्लॉग यहाँ पे एंड कर रही हूँ गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज बनाने के लिए। और जो है वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, स्टेप बाय स्टेप, स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस।